हाय फ्रेंड, मैं किरण और आप देख रहे हैं फ्री टेक्नोलॉजी ज्ञान। दोस्तों, ऑटोमोबाइल कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा झटका दिया है। 1 अप्रैल से देश में BS3 गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। तो जानते हैं इसके बारे में सविस्तर से, ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2017 से BS3 इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। 1 अप्रैल से देश में केवल BS4 इंजन की गाड़ियां ही बनाई जा सकती है और बेची जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। इस फैसले से ऑटो कंपनियां और कमर्शियल व्हीकल को सबसे ज़्यादा झटका लगा है। लगभग 8,20,000 गाड़ियां बेकार हो जाएंगी। वाहन निर्माता संगठन सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सियाम की ओर से कहा गया है कि कंपनी को यह स्टॉक निकालने में करीब करीब 1 साल का समय चाहिए। बीएस का मतलब है भारत स्टेज, और इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का पता चलता है। बीएस के जरिए भारत सरकार गाड़ियों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाला प्रदूषण रेगुलेट करती है। बीएस मापक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। देश में चलने वाली हर गाड़ी के लिए BS मानक जरूर है, और यह मानक सभी देशों के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का यह मानक Tier 1 है और Tier 2 होता है, तो वही यूरोप में इसे यूरो मानक कहते हैं, उपयोग किया जा सकता है। BS के साथ जो नंबर होता है उससे पता चलता है कि इंजन कितना प्रदूषण फैलाता है, यानी जितना ज़्यादा नंबर उतना कम प्रदूषण। अभी तक देश में BS3 इंजन वाले वाहनों को इजाज़त थी, लेकिन कोर्ट के आदेश